काफी दिन पहले मैं यहां आया था और आज मुझे खुशी हो रही है कि 12 से 6 करोड़ रुपए की लागत से शिव मंदिर से सेवाओं के तक 4 से 6 लेन के मार्ग का निर्माण किया कार्य इसका आज भूमि पूजन हो रहा है। ये कार्य दिसंबर 2022 में शुरू हो जाएगा। इसमें 5.12 किलोमीटर 6 लेन सड़क है, 3.6 किलोमीटर 4 लेन सड़क है और 3.7 किलोमीटर 4 लेन एलिवेटेड रोड है। महानंदा ब्रिज के बगल में 210 मीटर का नया ब्रिज का भी निर्माण हो रहा है और इसी मार्ग में 2 ROB, 4 VUP, 2 LVUP, 2 बड़े पुल और 2 छोटे पुल के अलावा सर्विस रोड भी बनाई जाएगी। मुझे इस बात की खुशी है कि यह बनने से आप सबका जीवन बहुत सुसह्य होगा, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। इस मार्ग में 7 जगह ऐसी है जहां बार बार एक्सीडेंट होते थे, ब्लैक स्पॉट है, उसको भी सुधार किया जाएगा। और सिलीगुड़ी में अभी ट्रैफिक जाम के कारण आपको 2 घंटे का समय लगता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस रोड बनने से आप केवल 10 मिनट में ये सफर तय कर पाओगे और आपका समय बचेगा। इस मार्ग के निर्माण से दार्जिलिंग से सिक्किम, भूटान आने जाने का भी समय काफी बचने वाला है। ये टूरिस्ट स्पॉट है और अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो टूरिस्ट बड़े प्रमाण पर आएंगे और टूरिस्ट आएंगे तो यहाँ के नौजवान लोगों को रोजगार मिलेगा। उद्दलबाड़ी में जो ROB है उसका आज लोकार्पण हो रहा है। दार्जिलिंग से उद्दलबाड़ी में NH 31 पर 102 करोड़ की लागत से 2 लेन ट्वीन ROB का निर्माण कराया गया है और इस ROB से इंटरनेशनल कनेक्टिविटी में सुधार होगा। मैनागुड़ी में भी ROB का निर्माण पूरा हुआ है। जलपाईगुड़ी के मैनागुड़ी इसमें 109 करोड़ की लागत से ROB निर्माण कराया गया है। इसकी तकनीकी जांच की जा रही है और 15 दिसंबर 2022 से ROB ट्रैफिक को आने जाने के लिए शुरू हो जाएगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सेवक आर्मी कंटोनमेंट के कोरोगेशन ब्रिज का निर्माण ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। शिव मंदिर से कोरोनेशन ब्रिज तक 1800 करोड़ की लागत से 14 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का हम निर्माण करेंगे, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। इसका DPR चल रहा है और DPR मिलने के बाद ही 2023 की शुरुआत में इस कार्य का शुभारंभ करेंगे। तीस्ता नदी पर नए ब्रिज का निर्माण करने की मांग ये भी हमारे दोनों सांसदों ने मेरे पास की थी। कोरोनेशन ब्रिज के बगल में तीस्ता नदी पर 1100 करोड़ की लागत से 6.4 किलोमीटर 4 लेन नए ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है और जिसका DPR की शुरुआत की गई है। ये कोरोनेशन ब्रिज का निर्माण 1941 में किया गया था। पुराने ब्रिज का परीक्षण करने के बाद 2020 में भारी वाहनों पर रोक लगा दी गई थी। जनवरी 2023 में पुराने ब्रिज की मरम्मत का भी काम शुरू कराया जा रहा है और नया ब्रिज बनने से सिक्किम, भूटान से आने जाने वाले वाहनों के लिए आवागमन भी सुगम हो जाएगा। कोरोनेशन ब्रिज से सालसबारी तक का निर्माण, कोरोनेशन ब्रिज से चालसा होकर सालसबारी तक शायद आप उम्मीद नहीं करोगे पर 5200 करोड़ रुपए की लागत से 260 किलोमीटर 4 लेन सड़क के निर्माण का DPR का कार्य शुरू हुआ है और 2023 में जनवरी मार्च तक उसके कार्य का भी शुभारंभ हम करेंगे। सालसबारी से फलाकाटा ये NH 31D तक 1130 करोड़ की लागत से
42 किलोमीटर की 4 लेन सड़क का निर्माण का काम जून 2024 तक पूरा हो जाएगा। फलकता से धूपगुड़ी तक निर्माण का NH-31D तक 1030 करोड़ की लागत से 30 किलोमीटर का 4 लेन सड़क का निर्माण का काम मार्च 2023 में अवार्ड हो जाएगा। यह प्रोजेक्ट 2002 का है जिसमें कई तरह की दिक्कतें थी, अब उनका समाधान निकाल दिया गया है। धूपगुड़ी से घोषपुकुर तक निर्माण NH-31D पर 1133 करोड़ की लागत से 83 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण का कार्य जुलाई 2021 में हो गया है और इस मार्ग में बनने वाले आरओबी का काम जून 2023 में पूरा हो जाएगा। घोषपुकुर से बागडोगरा तक का निर्माण ये 255 करोड़ की लागत से 12 किलोमीटर के 4 लेन मार्ग का निर्माण का कार्य 2023 में हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे दोनों सांसदों ने लगातार इन सब समस्याओं का जिक्र मेरे से किया है और उन्हीं के अनुरोध पर यह काम आज पूरा हो रहा है। हमारे राजन बिष्ट जी ने मुझे मांग की थी वो सिलीगुड़ी के रिंग रोड की, और आज मैं घोषणा कर रहा हूं कि 80 किलोमीटर के लंबाई के रिंग रोड को जो 3000 करोड़ का है उसको मैं मंजूरी प्रदान कर रहा हूं, 2023 में यह काम शुरू हो जाएगा। सिलीगुड़ी से फुलबारी 750 करोड़ की लागत से 9 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण भी होगा। तीस्ता बाजार से चालसा तक भी काम होगा और बहुत से काम है। बंगाल में एक्सप्रेस हाईवे का भी निर्माण कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि ये सब काम से यहाँ तरक्की होगी। मैं आपको बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।